बैक टू माई चैनल। माई नेम इज तृप्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। और यस, आप लोग तैयारी भी तो कर रहे होंगे वैलेंटाइंस डे की। तो ऑफकोर्स ये वाली जो वीडियो थी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए था वैलेंटाइंस डे पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाला लुक ट्राई करूँ। सो ये वाला जो मेकअप ट्यूटोरियल है आज स्पेशली वैलेंटाइंस डे पे मैंने क्रिएट किया है। सो अगर आप अपनी वैलेंटाइंस नाइट पे या वैलेंटाइंस डे पे जाना चाहते हो और आप अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो तो आप ये वाला लुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत ईजी है। कम से कम प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं और मेकअप को ज़्यादा फोकस ना करते हुए मैंने स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर आपकी स्किन केयर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेकअप का ग्लो आराम से अच्छे से आएगा और उसकी फिनिश भी बहुत अच्छे से आने वाली है। इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो, आपको लग भी रहा है कि मैंने फाउंडेशन यूज़ किया नहीं ना। सो यस, यहाँ पे मैंने फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। मैंने एक कंसीलर की हेल्प से है ना सारा ही मेकअप लुक का क्रिएट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट है, फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करते हो तो आप मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? सो बेल आइकन को फटाफट से जाके हिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और मुझे सपोर्ट भी करना है। सो नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट मैं रोज वाटर अप्लाई करूंगी। द लव को डॉट ऑर्गेनिक लग्जरी का है, विटामिन सी है इसमें। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। ये वाला टोनर लगाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लगता है, एकदम फ्रेश हो जाती हूँ मैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डॉट एंड की का सीरम। ये 10% विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट फेस सीरम है, 5% नियासिनमाइड है। सो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकिंग में आता है, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर पैकिंग है इसकी। सो अब हम इस सीरम को अपने फेस पे लगा लेंगे, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे आपको बहुत अच्छा दिखना है, ग्लोई ग्लोई दिखना है, और ब्राइटनिंग तो आपके फेस पे आपको 100% चाहिए ही है। सो यहाँ पे मैं एक ड्रॉप लगाऊंगी। सो ये वाला सीरम लगाने से आपकी स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी। सो इससे आप देख सकते हो बहुत अच्छा ग्लो मिला है मेरे स्किन पे, और ये एक नेचुरल फ्लशी ग्लो है जो हर कोई लड़की चाहती है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी जूसी दिखे। सो आपको ये वाला सीरम अच्छा ग्लो एंड एकदम प्लम्पी स्किन आपको देगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो आप वो वाला लगा लीजिए। स्किन केयर अच्छी होगी ना तो मेकअप आराम से अच्छा होगा, बहुत अच्छा दिखेगा और नेचुरल दिखेगा, ज्यादा केकी नहीं होगा क्योंकि स्किन केयर अच्छी है। सो पर्सनली मुझे स्किन केयर करना अच्छा लगता है, मैं स्किन केयर अच्छा करती हूँ। सो अगर आप भी अच्छा मेकअप चाहते हो, फ्लॉलेस मेकअप चाहते हो, तो आप स्किन केयर अच्छी कीजिए। अगर आप डे टाइम पे ये मेकअप करना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। मैं ये नाइट टाइम के लिए कर रही हूँ इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, बट अगर आप डे टाइम पे ये मेकअप कर रहे हो तो प्लीज़ सनस्क्रीन मस्ट एंड श्योर है, आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जंप करूँगी प्राइमर के लिए, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। और आप लोग को पता, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये वाला प्राइमर मेरा करंट फेवरेट है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, ये आपके जो ओपन पोर्स है उसको बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर लेता है। मैं आपको जस्ट एक डेमो दिखाती हूँ, आप भी देख के बोलोगे यार एकदम, मतलब एक्चुअली अच्छा वर्क करता है। सो यहाँ पे मेरे ओपन पोर्स कुछ ज़्यादा है, सो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी। सो आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पे आपको मेरे ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज हुए होंगे और यहाँ पे आपको ओपन पोर्स एक्चुअली दिख रहे होंगे। सो यही इस प्राइमर का अच्छा है कि ये बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर लेता है जो भी आपकी ओपन पोर्स है उसको। सो यहाँ पे मैं अपने फोरहेड पे थोड़ा लगाती हूँ, मतलब जो रहता है लेफ्ट ओवर, और वही मैं अपने चिन पे एंड अपनी आईलिड्स पे भी लगा लेती हूँ।
सो हमारी स्किन अभी बहुत अच्छे से प्रेप हो गई है, तो अभी मैं सीधा मेकअप करूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे काफ़ी ज़्यादा कम डार्क सर्कल्स हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं ये एलेगल का प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर है वो यूज़ करूँगी और आई एम इन द शेड प्योर बेज। और ये वाला कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यह आपके जो डार्क सर्कल्स है ना उसको बहुत अच्छे से हाइड कर लेता है और एक फुल कवरेज कंसीलर है गाइस। सो अगर आप मेकअप में है ना मतलब ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते हो तो यू जस्ट कैन गो फॉर सच कंसीलर्स। तो यहाँ पे जो भी मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे वहाँ पे मैंने ये कंसीलर लगाया है और अभी मैं अपनी फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ये कंसीलर है ना फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो मोस्टली मैं फिंगर के हेल्प से ही फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है कंसीलर को। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि हेल्प ऑफ द कंसीलर से ही मेरा ओवरऑल फेस जो है, जो भी पिगमेंटेड एरियाज थे, प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, सब कुछ अच्छे से कवर हो गया है। सो मैं अभी ज़्यादा फाउंडेशन या ऐसा कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मैं एकदम मिनिमल लुक चाहती हूँ, मैं ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं चाहती हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर बस अभी ये स्टेप करने के बाद मैं अच्छा सा एक है ना लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं ये जो माइग्लैम की टिंट अप जो लिप एंड चिक टिंट है ना वो मैं लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि इट्स माई करंट फेवरेट ही, मतलब फेवरेट ही है। तो मुझे पर्सनली इसको लगाना बहुत पसंद है और ये बहुत लिक्विड फॉर्म में आती है। सो आप इसको अच्छे से फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा नेचुरल लुक देती है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद द ब्लश, सो यहाँ पे मैं थोड़ा और लगा रही हूँ। यू गाइस कैन सी बहुत अच्छा नेचुरल एक ग्लो मिल रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हो यही वाला मतलब ग्लो अपने फेस पे तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप अपने अंडर आई को सेट कर सकते हो। और अगर आप एक ऑयली स्किन गर्ल हो तो आप थोड़ा एक अच्छे से ओवरऑल फेस को सेट कर लीजिए। अभी मेरी स्किन ऑयली है ना तो मैं लगभग पूरे फेस को सेट करूँगी, अदरवाइज आपकी स्किन ड्राई है और आप चाहते हो एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो दिखे तो आप सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पे कॉम्पैक्ट लगा सकते हो या फिर आप उसको सेट कर सकते हो। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको जैसे यूज़ करना है कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर को आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ले रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल और मैं सिर्फ गैप्स को फिल कर दूंगी। जस्ट एक पिगमेंट है वो मैं अपने आईब्रोज में फिल कर रही हूँ और वो भी सिर्फ अपने गैप्स फिल कर रही हूँ। एक आईब्रो करने से ही आपके फेस का जो फीचर है ना एकदम अलग हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। आईब्रोज करने से एक्चुअली आपके फेस पे एक अलग सा ही लुक आता है। सो आईब्रोज तो मेरा मस्ट एंड श्योर है, मतलब मैं अगर कहीं बाहर जाती हुई हूँ तो आईब्रोज तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये पेस्टल रोज हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट फॉर माई आईज़। सो यहाँ पे मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है। सो मैं इसको पिक कर रही हूँ और जो डस्ट ऑफ है निकाल दूंगी और अपनी आईज़ पे लगाऊंगी इस तरह। और मैं ये पूरे ओवरऑल आईलिड पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर आई लुक नहीं करने वाली हूँ, एकदम सिंपल वाला लुक करूँगी जिससे क्या है वो बहुत अच्छा भी दिखेगा और आप भी कर सकते हो।
सो यहाँ पे मैं सेम कल अपनी लोअर लैश लाइन के लिए यूज करूंगी। ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा सा न्यूट्रल कलर है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको मैं सिर्फ आउटर वी में प्लेस कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ इतना ही करके एंड कर सकते हो, बट यहाँ पे ये वाला जो ग्लिटर है ना, मैं ये वाला लगाऊंगी बस एकदम थोड़ा सा, एकदम मतलब थोड़ा सा सेंटर ऑफ द आईलिड पे, एकदम बहुत कम लगा रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, एकदम थोड़ा सा। यहाँ पे मैं अपना आई लुक कंप्लीट करती हूँ, बस मिनिमल सा आई लुक किया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा की, और मस्कारा के बिना आई लुक इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे मैं एसेंस का मस्कारा ले रही हूँ, ये लैश लाइक अ बॉस इंस्टेंट वॉल्यूम एंड लेंथ मस्कारा है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ये वाला मैंने यूरोप से लाया है, और मैंने वहाँ पे जब अप्लाई करके देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, और मैंने फिर इसको ले लिया। आप देख सकते हो एक कोट ऑफ मस्कारा से एकदम आई लुक चेंज हो जाता है, आई को एक बहुत अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, लैशेस एकदम वॉल्यूमनस लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो मस्कारा तो भाई, अगर आपको आई लुक कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली लगाना है, मस्त लगता है। लोअर लैश लाइन पे भी लगा देते हैं। मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाऊंगी टू सेट माय लिक्विड ब्लश, इससे क्या होगा मेरा जो ब्लश है ना एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं स्पंज की हेल्प से बस डाब डाब कर लूंगी, जो भी एक्सेस रहेगा निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने आउटलाइन कर दी है और साइड्स में ऐसे फील भी कर दिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ नायका के लिपस्टिक और इन द शेड हेलन। सिर्फ डैब डैब कर रही हूँ। सो थोड़ा सा ग्लो के लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का फेस हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। वाह गाइस, कैन सी बहुत सुंदर सा ग्लोई इफेक्ट आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट। और जो भी लेफ्ट ओवर है वो मैं फोरहेड पे घुमा दूंगी और अपने चिन एरिया पे भी लगा दूंगी, जो भी लेफ्ट ओवर है। हाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रही, फिंगर की हेल्प से बस अपनी नोज को हाईलाइट कर दूंगी। दैट्स इट। और अगर आप चाहो तो आप इनर कॉर्नर्स में भी लगा सकते हो, दैट्स पर्सनली योर चॉइस, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट, मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसे ही ये वाला लुक अच्छा लग रहा है। द वे इट्स लुकिंग, आई एम लविंग इट। सो मैं अभी फिनिश करके आती हूँ, इयर रिंग्स डाल के आती हूँ, सो वेट फॉर इट। लग रहा है मुझे ये वाला लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने इसमें प्रोडक्ट्स इतने यूज़ नहीं किए, मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए,
तो अगर आप चाहते हो तो आप भी ये वाला लूप डेफिनेटली कर सकते हो। 10 to 15 मिनट्स आपको हार्डली लगेगा, इसमें मैंने बोल बोल के सब यूज़ किया इसलिए ज़्यादा मुझे टाइम लगा है, बट अगर आप करोगे तो आप फटाफट से कर लोगे क्योंकि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ करना ही है मेकअप। सो आप ये वाला लुक आराम से अचीव कर सकते हो। बहुत सिंपल लगा रखा है मैंने और बहुत नेचुरल रखा है, तो ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। भले आप डे टाइम में करो नाइट टाइम में करो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो अगर आप सोचो ये वाला ड्रेस मैंने कहाँ से लिया, तो ये मैंने अमेजोन से लिया है और स्पेशली वैलेंटाइंस पे लिया है। तो ये वाला ड्रेस मुझे कुछ 400 अंडर ही पड़ा है, कुछ 390 या 380 के आसपास। तो उसका मैं है ना लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चाहो तो लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। बहुत अच्छा ड्रेस है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, ट्रू टू साइज है, एकदम साइज मेरे को बराबर से फिट हो गई है और मेरा जो साइज है इसमें एम है, मुझे बहुत अच्छे से इसका फिट आ गया है। और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और थोड़ी स्टाइलिश भी है, थोड़ा सा बॉडी हगिंग ड्रेस है। तो अगर आपको ऐसे वाले ड्रेस अच्छे लगते हो तो आप ये वाला ड्रेस डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में आता है। सो 380 या 390 रुपीज़ में क्या ही आता है, तो ये वाला ड्रेस आपको आने वाला है। सो अगर आप लोग को रेड लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद है तो आप एक काम कर सकते हो, आप है ना मैंने इस वीडियो में दिखाया है लिप लाइनर लगाया है मैंने रेड कलर का और फिर अंदर पीच लिपस्टिक लगाई, इससे क्या होगा ना आप एकदम बेसिक से लिपस्टिक शेड में आ जाओगे, आप मतलब बहुत डार्क रेड में नहीं दिखोगे। सो मुझे खुद को पर्सनली रेड लिपस्टिक्स लगाना नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये ट्रिक ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी वाला ट्रिक ट्राई कर सकते हो। अगर आप फिर रेड में नहीं जाना चाहते हो तो आप न्यूड्स भी लगा सकते हो। सो अभी वैलेंटाइंस डे ना, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना रेड पे जाऊँ, इसलिए मैंने रेड पे ट्राई किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी शेयर करना है। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और लाइक्स तो फ्री है, फटाफट से लाइक भी कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड यस हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस टू यू ऑल। सो अच्छे से मनाइए वैलेंटाइंस डे, बाय।